अभी अम्मी आ रही हैं डिस्चार्ज होके, और आ रही हैं वो साथ में मेरी बहन लेके। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अभी बज रहे हैं पूरे 12। अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है ब्लॉग, आज स्कूल नहीं गया क्योंकि तबीयत थी बहुत ज्यादा खराब। अभी मैं और लिली बैठे बाहर, थोड़ा सोच रहे थे थोड़ा बाहर बैठे थे क्योंकि अंदर की गई हुई बत्ती की, तो पूरी बत्ती जा चुकी है और पूरे 12 बज चुके हैं गाइज। मैंने सोचा कि हम बाहर ही बैठ लेते हैं लिली और मैं। लिली क्या ना, बाहर बैठा था मैं तो, अभी थोड़ा अम्मी गई हुई बाहर थे तो अभी क्या है ना, हम दोनों यही बैठ के ब्लॉग एडिटिंग वगैरह कर रहे थे। थोड़ा क्या है ना, कुछ चीज़ें मेरी रह जाती हैं और ब्लॉग में थोड़ा लेट अपलोड करता हूँ क्योंकि अभी क्या है ना, मेरी 2 से 3 बजे की टाइमिंग कर रखी है मैंने। बट आई होप कि हम जल्दी ब्लॉग अपलोड करना शुरू कर देंगे क्योंकि कुछ काम होता है। अभी मैं आया हूँ अंदर काम करने, बत्ती आ चुकी है तो अपना काम वगैरह निपटा लेते हैं। बहुत काम यार, मतलब काम तो है ही है तो सब निपटा लेते हैं हॉस्पिटल। तो अभी क्या है ना, पहले काम करते हैं घर में भी, सफाई वफाई करके गए और लिली देखो अपने घर में जाकर सेट भी हो गई है। गाइस अभी फूफा आई है भाई, अभी कहीं से ढोल की सी आवाज आ रही है गाइस, आपको भी आ रही होगी। डॉक्टर किसी की बारात निकल रही है, पता नहीं कुछ तो है आज। जो अंदर सब आए हुए हैं, अम्मी है नहीं, अम्मी हॉस्पिटल में, अभी अम्मी है हॉस्पिटल में तो अभी अम्मी फोन करा नहीं है। अभी पता नहीं बारात कहाँ से आ रही है, अंदर चलते गाइस। तो अंदर गाइस वर्कर्स लगे हुए हैं तो गाइस अभी बज रहे हैं पूरे रात के 10:30। अम्मी आ रही है डिस्चार्ज होके और आ रही है वो साथ में मेरी बहन लेके, जो की छोटी सी है बताए था। तो वो आज मतलब बोलते हैं गाइस, मैंने कुछ सेलिब्रेशन के लिए सोचा है, आपको भी नहीं पता था। तो अभी आज हमारी बहन आ रही है तो उसके लिए मैंने कुछ सेलिब्रेशन रखा है तो वो सब आप देखना और आप अपनी बहन को भी देखना। मैंने कुछ मतलब सुबह से ब्लॉग ही नहीं करा, हम लगे हुए थे कुछ काम में गाइस, नहीं तो स्कूल करते मैं दिखा नहीं पाया था कुछ भी, और मैं भी कुछ ब्लॉग नहीं कर पा रहा था, तबीयत भी खराब हो रही थी। अभी भी थोड़ा फीवर है बट आई कैन हैंडल। अच्छा कि ऐसे मैंने सुना ना, अम्मी अभी आ रही है, वैसे कल की हो रही थी तो फिर अभी मैं थोड़ा बैठा हुआ था, मैंने सोचा बाद में ब्लॉग कर लूँगा, थोड़ा बता दूंगा आपको। बट अभी पता लगा है कि डिस्चार्ज हो गई अम्मी, तो अभी मैं गया भक्ता भक्ता, मतलब पता लगा है मुझे गाइस बस ज़्यादा 10 बजे भक्ता वो पैदल गया हूँ गाइस, गाड़ी भी नहीं, पापा गए हैं गाड़ी से, भक्ता हो गया सामान लेकर आया। क्या ना, डिस्चार्ज होने के बाद हमारी अम्मी आ रही है हमारी बहन को लेकर। ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा नाइट आउट हो जाएगी बट ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हाँ तो अभी देखते हैं मैं कब तक आती हैं, आने वाली होंगी, बस जल्दी से आए अपना सेलिब्रेशन वो इतना हार्ड वाला लेंगे। बट जो है ना, जो मुझसे हो पाया मैंने खुद से, तो मैंने वो करने की कोशिश की है थोड़ा। तो अभी आने वाली अम्मी, मतलब इतना ज़्यादा ऐसा एम्बेरस हो गया, आई तो नहीं अभी दो गाइस इनसा सफाई में लगी पड़ी है पूरे घर की। लिली भी सफाई कर रही है, दो गाइस पहले बिगाड़ती है अब वो सफाई में लगी पड़ी है। नहीं स्कूटी में नहीं आएंगी गाइस, नानी भी गई हुई है ना, नानी भी स्कूटी पे तो आ नहीं सकते, 3-4 जने हैं, 4 जने हैं तो स्कूटी पे आ नहीं सकते, तो ऑटो से आ रहे होंगे या तो ओला वगैरह कर ली होगी। तो अभी देखते हैं, जल्दी चलो गाइस बाहर चेक करते हैं, आया तो नहीं, प्लानिंग के साथ करना है हमें कुछ, अभी आया तो नहीं, नीचे देखते रहियो साइड में इधर उधर सब जगह देखती रही, बिल्कुल चारों तरफ नजर सी रखनी, जैसे आए मुझे अलर्ट कर दियो सामने से, नहीं मतलब इधर उधर देखियो, जैसे आए तो मुझे तुरंत आती इन्फॉर्म कर दियो, मैं आती पूरा प्लानिंग में जुड़ जाऊंगा। सफाई कर दी तुमने, सफाई कर दी गाइस हमारी छोटी बहन अलसिबा, भी देखो कैसे लगी हुई है अलसिबा, हैप्पी हैं, कुछ बोलना चाहोगी, कैसे खुशी हो रही है, छोटे बाबू को खिलाओगी तुम हैं अलसिबा, खिलाओगी हैं जी। देखो जल्दी से सफाई कर दे पूरे घर की। तो गाइस थोड़ी इंग्लिश में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे लिए सही रहेगा, इससे मैं इंग्लिश बोलूँगा ना तो मेरे लिए मतलब मुझे इंग्लिश बोलना परफेक्ट आ जाएगा, तो इसलिए मैं इंग्लिश बोलता हूँ थोड़ा बहुत। अब आपको मतलब आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट आया करेगा, आपको भी थोड़ा लगा करेगा कि हाँ इंग्लिश बोलने से कुछ फायदा, मतलब आपको भी थोड़ा समझ में आएगी तो आप कुछ आगे बोलने की कोशिश करोगे, क्योंकि मुझे इतनी परफेक्टली आती नहीं है। बट मैं ना खुद से इतना सोचता हूँ कि मैं आगे परफेक्ट इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं कुछ थोड़ी बोलता हूँ। चादर कैसे बिछा रही है, तो एक हाथ से तुम बैठ जाए अलसिबा, तुम मत करो बिछाओ है, एक हाथ से कर लेती है, खाना भी खा लेती हूँ उल्टे हाथ से भी कर लूँ, मैं सीधे हाथ से भी कर लूँगी। देखो कितनी समझदार है गाइस। तो गाइस मैं सर धोने गया, तो मम्मी आ गई हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा चल के, जल्दी आ गए मम्मी पापा आ गए, अम्मी आई नहीं गाइस, अम्मी आ रही हैं। तो क्या था मेरे डेंटल के लिए मैं सर धोने एकदम, मरियम ने बताया कि आ गए तो अपने सारा सामान अरेंज कर देते हैं। तुम्हें एक काम करना है, ये मैं लाइटें यूँ बंद कर दूंगा ना, तुम चला देना है। आ गए देखो पापा सामान लेकर, अभी अम्मी भी आ रही है, इसके अच्छे लगाया, जल्द से चलिए तू, जा जल्दी जा, तू जाओ अब पापा की गाड़ी का कपड़ा है, तू जाके पापा को दे दे कवर, तू तुझे काम करना है मेरे लिए, इधर आ जल्दी, लिली बाहर आओ, अबे तुम क्यों जा रही हो अंदर, यहाँ खड़ी हो, हाँ पापा ने ओला कर ली थी गाइस, मेरी अलग इधर आ
तू थोड़ी लाइट जलाएगी, तू खड़ी हो, उसे बोला चढ़ यहाँ पे, वो चढ़ गई। लिली ध्यान से खड़ी हो जाओ, इधर आ सानिया, तू लाइट यहाँ खड़ी हो, तू ये दोनों लाइट क्या चलते जब मैं बोली अभी ये नहीं तीनों एक साथ। अभी अम्मी तो नहीं आई, रेडी ये यहाँ रखो सामान, ले ली सामान सब आ गया, रख दे सब कुछ अंदर ले जाओ, मिशन पकड़ और एक पकड़, ये कौन पकड़ेगा, ये कौन पहनाएगा, तैयार भैया कैसे जलाऊं, अबे तू थोड़ी लाइट जलाएगी बहन, तू 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 लाइट जलाएगी बंद कर देगी। हाँ? मैं उसे बोल रहा हूँ लाइट जला, लिली जाके चढ़ के बैठ गए दो गाइस हैं, चलाओ कैसे, रुक बाहर मैं समझाता हूँ, इस पे बना हुआ है ना निशान, तो इधर की तरफ करना है, जिधर के निशान है उधर की साइड घुमा दिया नीचे वाले को, हाँ ये जैसे अबे रोटेट दिस लिखा है ना वे, ये इधर की साइड जा रहा है, तो यहाँ से पकड़ इसे इधर घुमा दियो, यूं पकड़ यूं ऐसे, इसे पकड़ फोन ऐसे लाइट का कौन काम करेगा, अम्मी तो नहीं आई अभी वगैरह, यहाँ रख दिया गाइस मैंने, इसको यहाँ करते हैं जल्दी से, लिली तैयार हो जाओ अपनी जगह पे, देखो सामान देखने गई कितनी तेज है गाइस, पहले सामान देखेगी, दोनों जलाने एक ये वाला एक ये वाला, एक ये लाइट कौन बंद चालू करेगा, इधर आ इंसा तेरे हाथ फ्री है, एक और जलाना, हाँ ये तीनों एक संग चालू करना है, ये पहले से बंद करियो फिर तीनों एक साथ जले जब मैं बोलूँ। मम्मी आ रही है जी, डेकोरेशन का है ना मेरा हाथ में थोड़ा सिस्टम, आप समझ सकते हो, तो उसी के लिए छोड़ दो बस्ती गए अंदर भी ना तो बहुत ज्यादा यार, मतलब हाथ एकदम होपलेस, लाइट पे कौन था, हाँ पहले से बंद, अबे चाचा पहले पूरी बंद कर, एक साथ जलानी है, हाँ अभी तो जला दे एक, इतने घंटों में नहीं चिल्लाना नहीं है, रुक मैं गाना नहीं बजा रहा यार, कॉपीराइट पड़ जाएगा, खाली मुंह से बोलेंगे और कुछ नहीं, अब वो देखते हैं जो निकला मुंह से वो बोलेंगे, तो डायरेक्ट ऊपर खाले कैसे चलाएगी, जला के दिखा एक साथ दोनों, हाँ अभी दोनों ना दो दिन हो जाएंगे, हाँ तो मैंने लाइट फोन पकड़ा दिया है, इधर से मैं इधर से करूँ, इधर से स्टार्ट, मैं कैमरा उधर कर देता हूँ गाइस, अबे लाइट तो जलाओ मुझे कुछ नहीं दिख रहा, अबे लाइट बुझा, अबे रुको रुको लाइट बुझा, लाइट बुझा, अबे खोलो, अरे उन्हें तान दो, बंद कर ले अबे गेट तो खोलो, आओ बे आने तो दो, तूने तुझसे फूटा ही नहीं, फूट ही नहीं रहा, ऊपर करके दिखाओ मैं फूल पकड़ो, पूरा देखो कैसा हमने कर डाला है, एक ही फूटा एक उसने फोड़ा नहीं पर नहीं तोड़ दिया, अम्मी दो अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, एक तो यहाँ रख दो, अभी रुक जाओ थोड़ी देर में, नानी कैसी लग रही है, तुम बताओ कैसी लग रही है, बढ़िया है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, जैसे फोन आया ना ये भैया उसने एकदम से भोंकता वगैरह सामान ले लिया, बर्तन धोए सफाई करी पूरा झाड़ लगाई, पटाखा तोड़ दिया उनने, वो से देखो लिली थोड़ी देर में, लिली लिली तूने ये बता कैमरे वीडियो कैसी बनाई तूने, वीडियो बनाने नहीं थे थोड़े से गाइस, मैंने जल्दी से लाइट ऑन करी फिर अम्मी आ गई, मैंने चलाई कहां गई जी, क्या हो गया, बच्चा को गुब्बारा दो कैसे फोड़ना पड़ेगा, मैं अभी करूंगा थोड़ी देर में, पहले करते हैं केक कट और फिर दिखाता हूं मैं आपको, अभी फेस रिवील नहीं कराऊंगा, पहले केक कट करते हैं, कर ही देते हैं गाइस, इसे बर्बाद तो नहीं होता कम, ये हो गया झाड़ू लग जाएगी, तो गाइस ये भी पटाखे यूज हो गया, तो इकट्ठा करेगी वो गली में डाल दूँ पहले केक को, तो मैं सोच रहा हूँ इसे उठाऊँ, ये गिफ्टिंग के लिए होता है, वैसे निकालो खुल जा, ये खुल जा, निकाल लिया बॉक्स वगैरह है, बॉक्स सही है वैसे पैकिंग के लिए, नहीं रख देते हैं इसे यहीं पे, फोटो में काटो, काट दो ना अलग सा काट दो,
इसमें चुबा दो सुई। बोलो कोई चीको बर्थडे बर्थडे तो है इसका। हाँ बोल 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 पेड़ो हैप्पी बर्थडे प्रिंसी। पापा को भी खिला दो। केक कट हो गया गाइस, अब दिखाता हूँ मैं आपको। इससे चलिए इसे खिला दो, फज उसके फज जाएगा उसे खिला रही है। तो इसे यहाँ रखते हैं गाइस, इसका भी बंटवारा होगा। और ये रही देखो गाइस, देख लो ये रही सिनेमैटिक बनाओ। केक ही खा रही है उसे, देख लिया ना गाइस। अब कुछ बोलना चाहोगी? क्या बोलूं? कुछ बोलो क्या, कुछ कुछ एक स्पीच। स्पीच क्या होती है? स्पीच देखो कितनी बड़ी अनपढ़ है, स्पीच नहीं पता। कुछ भाषण वगैरह देना अच्छा। चाहोगी? अच्छा अच्छा हाँ। कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका सर बहुत पुलाइव है, इसके बाल बिल्कुल गरे गरे है, क्यूट है बस। अलसिफा कुछ कहना चाहोगी? देखो ये स्पीच देने के बाद में गाइस बाकी लोग अभी करते हैं, पहले केक बेक दे दें सबको। सबसे समझदार लड़की है वो गाइस, सफाई में लगी पड़ी है, सबसे समझदार है। ले लो गाइस, अगर मैं आज तो जा रहा हूँ, आज तो ब्लॉग में लाइव बोल, जो तुझे लाइव बोल लियो, सच बोल लियो, सच बिल्कुल रेडी पक्का। कल से मैं डेली फेंकोगे, खाना भी डालोगे, तोते को भी डालोगे, पोटी भी फेंकोगे, सब कुछ करोगे। अभी हो गई रात, अभी सो चुकी है हमारी बहन, तो भी मुझे करना पड़ेगा ब्लॉग का एंड। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, आज भी के लिए इतना ही। आपको आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो बाकी जो सब कुछ है आप कल देखना कल के ब्लॉग में। तो अभी मेरे संग मिल के जुड़े रहो, आज के लिए इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। आज के लिए टाटा, सी यू।